शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहाय राम करने वाला है असल मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत मज़ेदार राइस डोनट्स लेफ्ट ओवर राइस के साथ तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट ओवर राइस ले लेने हैं ऑफ़कोर्स बॉयल्ड राइस है मेरे पास ये वन कप है और इसको मैं एक अदद ब्लेंडर यानी चॉप करूँगी बेसिकली और इसको आ, अच्छा सा पीसना है मुझे तो आप जिसमें भी अपनी चीज़ें वगैरह पीसते हैं तो उसमें आप डाल लें और साथ मेरे पास है जी वन फोर्थ कप है जी मेरे पास दही है और ये मेरे पास थोड़ा सा पतला दही है तो अगर आपके पास पतला दही ना हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और आप मैंने इसको अच्छा सा बारीक पीस लेना है अच्छा खासा बारीक पीस लेना है इसको और अब इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है अब साथ में डालूंगी इसमें हरी मिर्चें ये तेज़ हरी मिर्चें हैं मैंने दो अदद ले ली हैं इसलिए मैंने तीन निकाली थी बट मैंने कहा कि दो ही काफ़ी है तो और साथ है जी दो टेबल स्पून आ, ये मैंने डाल दिया इसमें धनिया साथ मैंने डाल दी इसमें सूजी और ये है जी चावलों का आटा मैंने इसमें एक टेबल स्पून आ, मैदा भी डाला था लेकिन उसकी वीडियो नहीं बन पाई जाने क्यों और साथ मैंने डाल दिया है जी अदरक का पेस्ट पौना चम्मच और ये जी नमक आधा टीस्पून अगर आपके चावल ज़्यादा नमकीन हो तो बेशक नमक कम डाल दीजिए मैंने आधा चम्मच डाला है आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें काली मिर्च भी मैंने आधा चम्मच डाली है और ये है जी मेरे पास बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा वन फोर टी स्पून से हर के ज़्यादा ना डालें कम आप डाल सकते हैं ज़्यादा मत डालिएगा और ये है जी मेरे पास वन बाई थ्री टी स्पून ऑफ जो धनिए के दाने होते हैं हमारी कोरिएंडर सीड्स जिनको कहते हैं साबुत धनिया वो वो आप ऐड करके अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वैसे ही बहुत अच्छा सा बन जाएगा और इसको जो है अच्छा सा आप मिक्स कर लीजिए और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो चुका है इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और मैंने स्पून से ही मिक्स किया इसको इवन हाथ को भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा जैसे आप हाथ से करना चाहें आप हाथ से कर सकते हैं इट्स योर चॉइस अभी अच्छा सा मिक्स हो गया अब इसको हम तकरीबन दस से पंद्रह मिनट के लिए ढक के रख देंगे जी दस पंद्रह मिनट बाद हमने ये चेक किया है और ये देखें बिल्कुल अच्छा सा हो गया है ये क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ी सी फूल जाती है तो अब हमने ऑयल ले लिया है क्योंकि हमने हाथों को ग्रीस करना है चिपकता भी काफ़ी है क्योंकि चावल है उसमें स्टार्च होती है वो अपने हाथों को चिपकती है अब अपने हाथों में लेके आपने इसका एक छोटा सा बॉल ले लेना है जैसे हम कबाब बनाते हैं वैसे आपने इसका एक छोटा सा बॉल लेके और इसको प्रेस करना है जैसे कबाब बनाते हैं और अब इसका हमने डोनट तैयार करना है तो आप एक फिंगर लेके उसको ऑयल में डिप किया और बीच में हमने सर सुराख कर लिया इसके और एक डोनट की शक्ल इसको दे दी आ, एक बात याद रखें कि ऑयल मैंने इस वक्त गर्म होने को रख दिया हुआ था और ऑयल गर्म है इसलिए हम साथ साथ इनको बीच में डालते रहेंगे अब इसको मैं ऑयल में एडअप कर दूंगी साथ ही और अब जो है मैं दूसरा जो है वो भी आपको बना के दिखा देती हूँ इतना ही आपने ये लेना है जितना आप कबाब के लिए लेते हैं आप छोटा भी ले सकते हैं वैसे और इसको थोड़ा सा दबा के और कबाब के साथ इसको दबा के और बीच में आपने सिर्फ एक सर्कल बनाना है ऑयल ऑयली फिंगर के साथ ताकि इसकी एक डोनट की शकल बन जाए क्योंकि हम बना तो रहे हैं राइस डोनट्स तो इसको हम अच्छा सा इसको शेप अप करके और इसको भी हम ऑयल में डाल देंगे क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है साथ साथ आप इसको फ्राई करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा क्योंकि रखने के बाद जब आप उठाएंगे तो ये थोड़ा सा जो है ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा इसलिए उसको सॉफ्टनेस को बचाने के लिए ताकि इनकी शेप भी ख़राब ना हो तो हम बनाते बनाते ही साथ ही हम इसको फ्राई भी करते जाएंगे इसको हमने तीसरा भी हमने डाल दिया और ये देखिए जी हमारे फ्राई हो रहे हैं आप आपने इनको बिल्कुल टच नहीं करना है जब तक के ये जो है अपनी शेप को बरकरार ना रख ले और इसकी जो ऑयल की बबलिंग है वो थोड़ी सी आपको कम ना नज़र आने लगे तब तक आपने इनको टच नहीं करना क्योंकि आप टच करेंगे तो ये बिखरने के मूड में आ जाएंगे इसलिए इनका मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना उनको छेड़ना नहीं है तो आप इनको अच्छा सा फ्राई कीजिए क्रिस्पी क्रिस्पी सा करना है इसलिए आंच जो है आपने तेज़ नहीं रखनी है इसको मीडियम रखनी है क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पकाना लाजमी है कोर्स सिर्फ चावल ही पके हुए हैं बाकी तो सब कच्चा ही है तो ये देखिए हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं बिल्कुल आसानी से और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये और ये देखिए जी हमारे डोनट्स में आपको अब आप इनको ओपन करके भी दिखाती हूँ तो ये देखिए जी ये बिल्कुल आपने चेक किया होगा क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल नरम और सॉफ़्ट और बहुत मज़ेदार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दही की और साथ अदरक की और हर चीज़ की मिक्स हो के बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत ही आसान सी रेसिपी तो हमारे ज़... इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए हाफिज़